इस क्वेश्चन में हमें एक होलो हेमिस्फेयर के ऊपर सरमाउंटेड एक सिलेंडर दिया गया है, यानी मैं इसका अगर ड्रॉ बनाऊं तो होलो हेमिस्फेयर के ऊपर हमें एक होलो सिलेंडर दिया गया है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, जबकि हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है और वेसल की टोटल हाइट, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर की हाइट नहीं, टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल मेरे पास, ये पूरे वेसल की हाइट 13 सेंटीमीटर है। अब मुझे इसका सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकालने को कहा गया है। सरफेस एरिया, पहला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सरफेस एरिया में मैं इस पूरे रिजल्टिंग सॉलिड का या रिजल्टिंग कंटेनर का कौन सा सरफेस एरिया निकालूं, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो सोचिए, ये कंटेनर है जिसका इनर सरफेस, इनर सरफेस इस कंटेनर में, इसकी सिर्फ वॉल्स हैं, अंदर से जो वॉल्स हैं इसकी, ये इसका इनर सरफेस है और ये इनर सिर्फ सरफेस सिर्फ वॉल्स का एरिया है और वॉल्स के एरिया का मतलब लेटरल सरफेस एरिया होता है। यानी यहाँ मुझे इनर सरफेस एरिया जो निकालना है उसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर है। और हम जानते हैं कि हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr² प्लस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πrh होता है। अब फॉर्मूले में यूज करूं उससे पहले मुझे डायमेंशन अपने फिगर में एक्यूरेट करने होंगे, डायमेंशन को देखना होगा। उसने कहा था हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, तो अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है तो रेडियस 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर होगी। फिर ध्यान से देखिए, अगर नीचे यहां पर रेडियस अगर 7 है तो रेडियस यहां भी 7 सेंटीमीटर होगी, यानी सिलेंडर का रेडियस भी 7 है। तो पहले अपने फॉर्मूले में बहुत ध्यान से, जो आपने दो फॉर्मूले दोनों फिगर के लेटरल सरफेस एरिया के लिए ऐड किए उन फॉर्मूलों को ध्यान दीजिए। हेमिस्फीयर के लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है, ये सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है। दोनों में हेमिस्फीयर या सिलेंडर का रेडियस, ध्यान से देखिए, हेमिस्फीयर या सिलेंडर का रेडियस सेम है तो आर सेम रहेगा, लेकिन यह हाइट का मतलब, यहाँ हाइट का मतलब सिर्फ सिलेंडर की हाइट से है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया के लिए है। तो यहाँ मुझे अभी सिलेंडर की हाइट निकालनी होगी। हेमिस्फीयर में अगर रेडियस 7 है, अगर हेमिस्फीयर में रेडियस 7 है तो उसकी हाइट भी 7 ही होगी। अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 7 है तो हाइट 7 होती है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए आप अलग से एक ड्रॉ देख सकते हैं, एक हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 7 है जबकि ये इसका हाइट बनता है। ध्यान से देखिए, इस फिगर में, इस हेमिस्फीयर में जो हाइट की रिप्रेजेंटिंग लाइन है एक्चुअली वो रेडियस भी है, एक्चुअली वो हाफ सर्कल में रेडियस भी है, यानी रेडियस और हाइट बराबर होते हैं और हाइट भी 7 होगी। खैर, ओरिजिनल फिगर में वापस आए, अगर वहाँ हेमिस्फीयर की हाइट 7 है, टोटल हाइट 13 है, तो 13 हाइट में से नीचे आप हेमिस्फीयर की हाइट माइनस करें तो ऊपर सिलेंडर की हाइट 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस सिलेंडर की हाइट को मैं यहाँ पर H1 बोल देता हूँ ताकि हाइट उल्टी पुल्टी ना पुट हो, और फॉर्मूले में भी जहाँ मुझे सिलेंडर की हाइट पुट करनी हो उसे मैं H1 लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा ध्यान फॉर्मूले बनाने के बाद रेडियस और हाइट कौन सी किसकी जगह पुट होगी इसी बात पर देना होता है हमें। अब आप
इंटरनल सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना चाहते थे, तो देखिए फॉर्मूले में दोनों में 2π r कॉमन आ रहा है, अंदर बैलेंस बचता है r प्लस h1। अब वैल्यू पुट करेंगे, एक्सरसाइज में बोला हुआ है पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 22/7 लेनी है, तो अकॉर्डिंगली मैं 22/7 पुट कर रहा हूँ। रेडियस मुझे 7 दी हुई है, रेडियस 7 है, हाइट फिर ध्यान से पुट कीजिएगा, तीन हाइट है वहाँ आपके पास, सिलेंडर की हाइट, पूरे वेसल की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट। ये सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले से हाइट ये आया था, तो इस हाइट की जगह आप सिलेंडर की हाइट पुट करेंगे जो कि आपके पास 6 सेंटीमीटर है। अब इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो ये 7 से 7 कैंसिल है, 22 × 2 = 44, 7 + 6 हो जाएगा 13, और मल्टीप्लाई करने पे 44 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आता है 572। और चूंकि मैंने सरफेस एरिया निकाला है तो सरफेस एरिया में हमेशा यूनिट की पावर 2 आती है, यानी ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।